अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मैं मोहम्मद तला और आप लोग देख रहे हैं तलाश अकेडमी सो सेकंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर नाइन कंटिन्यू है जो कि है कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और बारी है ईथर्स को स्टडी करने की और हमारे कोर्स में एक ईथर है जिसकी प्रिपरेशन जिसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस हमें डिस्कस करने एंड दैट इज डाई ईथर बट बिफोर गोइंग टू दैट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ईथर्स और उसके नॉर्मल को ताकि अगर नहीं कॉन्सेप्ट है तो वो भी आपको आ जाए तो बेसिकली ईथर्स कहते किसे हैं इस बात को आपने समझना है ईथर जो है वो कंपाउंड हैं जिनका जनरल फार्मूला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका जो जनरल फार्मूला है वो है सी एन एच टू एन प्लस ओ यानी कि ऑक्सीजन तो लगा हुआ ही होता है लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ साथ कहानी ये है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उसके ट्वाइस जो है वो हाइड्रोजन एटम्स वहां पर मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो वहां पर कंबाइन होता है इस बात को आपने जहन में रखना है जैसे मिसाल के तौर पे अगर कार्बन होगा टू तो हाइड्रोजन जो है उसका डबल हो जाएगा फोर और आ जाएगा ऑक्सीजन तो आप फौरन समझ जाएंगे कि हमने जो चीज़ बनाई है वो बेसिकली किसको जाहिर कर रही है ईथर्स को और ईथर्स की एक और बात मैं आपको बात बताऊं कि इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है कि इधर एक कोई रेडिकल होता है इधर कोई रेडिकल होता है और दरमियान में जो है वो ऑक्सीजन लगा हुआ होता है दरमियान में ऑक्सीजन और दोनों तरफ रेडिकल्स तो वो बेसिकली जाहिर करते हैं ईथर्स को और ईथर्स की खास बात यह है कि इनका जो जनरल फार्मूला है बिल्कुल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की तरह है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स ऑलरेडी हम लोग एल्कोहल्स में डिस्कस कर चुके हैं वहां पे जाके आप इन डेप्थ इसको देख सकते हो बट आप इसे भी याद रख सकते हो मोनोहाइड्रिक यानी कि एक हाइड्रिक होगा तो मोनोहाइड्रिक कहलाता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा और इसी वजह से इनको अल्काइल ऑक्साइड्स भी कहते हैं या एनहाइड्राइट ऑफ एल्कोहल्स भी कहते हैं दोनों नाम है अल्काइल ऑक्साइड्स भी कहेंगे और एनहाइड्राइट ऑफ एल्कोहल्स भी कहेंगे एनहाइड्राइट्स एल्कोहल्स में से आपने जो हाइड्रोजन है उसे निकालना है और ये हाइड ये जो वर्ड है हाइड्रेशन बहुत ही कॉमन है वाटर के साथ यूज होता है यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए ये आ गया हमारे पास एक एल्कोहल ठीक है और ये आ गया हमारे पास एक दूसरा एल्कोहल ठीक है दो एल्कोहल्स आ गए हमारे पास और ये दोनों एल्कोहल्स हैं अब इसमें से आपने क्या करना है आपने एक वाटर के मॉलिक्यूल को हटा देना है अगर आप इसमें से एक वाटर के मॉलिक्यूल को हटा दोगे यानी कि हमने इसमें से माइनस कर दिया है एच टू ओ तो नतीजे में जो चीज बनेगी वो क्या होगी ये आर होगा ओ होगा और ये आर डैश कर लो या आर कर लो तो इधर भी एक रेडिकल है दरमियान में ऑक्सीजन है उधर भी एक रेडिकल है सो दिस इज नोन एज ईथर वही बात जो मैंने आपको समझाई कि असल में अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ किस चीज के हैं ये एल्कोहल के हैं तो दो मॉलिक्यूल्स एल्कोहल के उनमें उनको हम एनहाइड्राइड कर दें उसमें से हाइड्रोजन को अगर हटा दें तो नतीजे में हमें ईथर मिल जाएगा और खास बात यह है कि इनको हम करते हैं दो में। पहला ग्रुप कहलाता है और क्या क्या है देखो एक ऐसा ईथर जिसमें दो अल्काइल ग्रुप्स हो और दोनों सेम हो मैंने आपको बताया दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं आर और आर और अगर दोनों सेम होंगे तो वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो वो कहलाएंगे एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर जैसे मिसाल के तौर पर सिमेट्रिकल की एक मिसाल जो है वो हम डाई इथाइल ईथर की ही दे सकते हैं आप देखो इधर यहां पर आ जाएगा हमारे पास सी टू एच फाइव और इधर आ गया इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और फिर इधर भी आ रहा है सी टू एच फाइव अब आप देख सकते हो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो ये क्या बन गया ये बन गया हमारे पास डाई इथाइल ईथर ये डाई इथाइल ईथर आ गया और आप देख सकते हो इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है इस वजह से इट इज ए इट इज सिमेट्रिकल एक जैसा सिमेट्रिकल का मतलब होता है, एक जैसा. इस वजह से सी टू एच फाइव ओ और इधर भी सी टू एच फाइव ओ और कुछ भी आप चेंज कर लो नो no प्रॉब्लम और आपने जो है ना बस याद रखना है कि किस तरीके से काम कर रहा होता है ठीक है एक और मिसाल देता हूं चलो इधर सी थ्री करके देख लो सी थ्री हो जाएगा तो यहां पे भी आपने क्या करना है ऑक्सीजन आ गया फिर यहां पर आ गया सी थ्री और यहां पर भी एच आ जाएगा और मैंने आपको क्या बताया हाइड्रोजन जो है वो डबल लगे हुए होते हैं जितने भी होते हैं तो अब ये छे है तो छे का मतलब बारह बारह का मतलब हो जाएगा यहां पर भी छह आ जाएंगे यहां पर भी छह आ जाएंगे ठीक है जी तो इस तरीके से ये हो गए हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर्स और ए सीमेट्रिकल ईथर्स के अंदर एक तरफ कुछ भी हो सकता है दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है जैसे कि इस तरफ कर लो ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन इस तरफ आ गया हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप और इस तरफ हमने लगा दिया सी एच टू सी एच टू और इसी के साथ साथ हमने लगा दिया सी एच थ्री तो ये क्या बनेगा हमारे पास मिथाइल भी है और यहां पर प्रोपाइल भी है तो इसको बोल देंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर ये भी मैं बताता हूं नॉमन क्लेचर ना अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ मिसालें दे रहा हूं कि डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे कि इथाइल मिथाइल ईथर भी हो सकता है इस तरफ सी एच थ्री आ गया और इस तरफ आ गया ओ और इस तरफ आ गया सी टू और जुड़ा होगा एच फाइव ठीक है जी समझ में आ गई ना बात आ, आगे बढ़े देखें क्या कहानी चल रही है नॉमन क्लेचर में दो बातें हैं देखो अगर कॉमन नेम की आप बात करोगे ना अगर आपको कॉमन नेमिंग करनी है तो कॉमन नेमिंग के लिए एक सिंपल सा रूल है उसको आपने जहन में रखना है कॉमन नेम में हम सिर्फ क्या करते हैं कि जो भी अल्काइल ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा ठीक है जितने भी हैं ये इस तरफ ए, लेफ्ट साइड पे जो है उसका भी नाम आएगा राइट हैंड साइड पे जो है उसका भी नाम आएगा और सीधा सीधा इथाइल ग्रुप के बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे इसके बाद हम लिख देंगे ईथर अल्काइल ग्रुप का नाम आता है और साथ में आखिर में हम इथर लगा देते हैं जितने भी ग्रुप्स हो उन सबका नाम आता रहेगा जबकि जो इसका आई यू पी नेमिंग है ना आई यू पी नेमिंग उसमें हम क्या करते हैं उसके अंदर हम इनको जो है दो ग्रुप्स बनते हैं ना एक एक जैसे इधर है और एक इधर है ठीक है तो हम क्या करते हैं जो छोटी वाली होती है फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉल वाली साइड है उसको हम कर देते हैं एलकॉक्सी ठीक है अल्काइन का जो भी नाम आता है वो और उसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं और दूसरा वाला जो है जो उसके लिहाज से बड़ी वाली चेन होती है उसको हम सीधा सीधा अल्केन लिख देते हैं ठीक है अभी हम मिसालें देख लेंगे क्या क्या बनेगी थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा क्या क्या है तो फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान से शुरू करते हैं सी एच थ्री ओ और सी एच थ्री अब अगर आप इसका कॉमन नेम दोगे तो कॉमन नेम कैसे दोगे पूरे लिख देता हूँ चलो इसका कॉमन नेम कैसे आएगा कॉमन नेम में हम क्या करेंगे मैंने आपको बताया इधर क्या लगा हुआ है मिथाइल इधर भी क्या लगा हुआ है मिथाइल तो कितने मिथाइल होगा ये हो गया डाय हम इसको करेंगे मिथाइल और आखिर में क्या लिख देंगे आखिर में लिख देंगे ईथर जैसे मैंने बताया ना अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा और आखिर में ईथर लगा देंगे अच्छा अगर इसका आई यू पी एस सी नेमिंग करेंगे तो फिर उसके लिए जो छोटा वाला अब ये तो दोनों बराबर ही हैं तो छोटे वोटे का मसला नहीं है एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको लिखोगे मिथ और मैंने बताया छोटे वाले के साथ क्या लगाते हैं ऑक्सी हो जाएगा मीथॉक्सी और आखिरी वाला जो दूसरा वाला है वो भी तो मीथेन ही है तो उसको हम लिख देंगे मीथेन तो ये बन जाएगा मीथॉक्सी मीथेन या उसको हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर इसी तरीके से ग्रुप डिफरेंट भी तो हो सकता है मिक्स भी तो हो सकता है तो सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव यह भी हो सकता है अब आप देख लो इसमें से बड़ी अच्छा कॉमन नेमिंग में तो बड़े देखते नहीं है कॉमन नेम में सिर्फ ये देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है वो उसको लिख देते हैं तो इस तरफ एक मिथाइल है इस तरफ एक इथाइल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है और अगर इसका आई नेमिंग करेंगे तो आई नेमिंग के अंदर छोटी वाली चेन ये है जो छोटी चेन होती है उसके साथ ऑक्सी आता है तो हम क्या लिखेंगे मिथ ऑक्सी और इधर इथेन है तो पूरा पूरा आ जाएगा इथेन मिथॉक्सी इथेन ठीक है ये आसान सी दो मिसालें हैं और भी देख लेते हैं कुछ डिफरेंट मिसालें और जो हमें पढ़ना है डाई थाल इथर उसका भी तो बताई देता हूं इस तरफ भी सी टू एच फाइव यहां पर आ गया ओ और इधर भी आ गया सी टू एच फाइव ठीक है जी अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन नेम पहले ना पहले इसका कॉमन नेम देखते हैं कॉमन नेम क्या बनेगा दोनों तरफ इथाइल है तो हम इसको बोलेंगे डाय इथाइल ईथर और अगर इसकी आई नेमिंग करनी है तो आई नेमिंग के अंदर दोनों तरफ इथाइल लगे हुए एक के साथ आएगा ऑक्सी तो इथ ऑक्सी और दूसरे के साथ आएगा इथेन तो हम इसको कर देंगे इथोक्सी इथेन ठीक है जी ये से कॉमन नेम हो गया ये हमारी तीसरी मिसाल थी एक मिसाल और देख लो चौथी वाली जिसमें हम कुछ जो है वो आ, नंबरिंग भी कर सकें तो वो इजी हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सी एच इधर एक लगा देते हैं सी एच थ्री इधर एक लगा देते हैं सी एच थ्री और फिर इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा ओ और यहां पर आ जाएगा सी एच थ्री ठीक है अब नंबरिंग कर लेते हैं नंबरिंग के अंदर क्या क्या देखो नंबरिंग के अंदर ये देख लो कि लॉन्गेस्ट चेन आ जाए इधर से ये तो सिर्फ सी एच थ्री आ रहा है ये आ गई हमारे पास चेन ठीक है ना ये हमारे पास चेन आ गई तो ये छोटी वाली हो गई ये बड़ी वाली हो गई छोटी वाली तो आपको पता है सीधी सीधी सी नजर आ रही है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको तो हम मिथाइल कर लेंगे इसको देखना पड़ेगा ठीक है अच्छा वैसे जो हम नाम देते हैं कॉमन नेम ना इसका पहले कॉमन नेम अगर दे दूं तो कॉमन नेम की तो देखो सीधी सी लॉजिक है दोनों का आपको नाम लिखना है इस तरह ये जो लगा हुआ है ये क्या है ये लगा हुआ है हमारे पास सी एच थ्री सी एच थ्री और ये आ गया सी एच सी एच और इसके साथ जुड़े हुए हैं सी एच थ्री दो जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं आईसो प्रोपाइल ये वाला आईसो प्रोपाइल कहलाता है तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या चीज़ आइसो प्रोपाइल तीन आ रहे हैं आइसो प्रोपाइल और इस तरफ सी एच थ्री लगा हुआ है यानी कि मीथाइल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल मीथाइल और ईथर कॉमन नेमिंग का तो मसला नहीं है तुम तो में से कुछ भी लिख दो आई यू पी एस सी नेमिंग के अंदर जो है वो हमें इसकी नंबरिंग वगैरह सब करनी पड़ती है इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री ठीक है जी अब आप देख सकते हो ये हमारे पास लगा हुआ है सी एच थ्री सी एच थ्री का मतलब मिथ छोटी चेन के साथ ऑक्सी आता है तो जो है दूसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ है तो टू तो आएगा मिथॉक्सी ठीक है और फिर मिथॉक्सी के बाद कितना है एक दो तीन तो जाएगा टू मिथॉक्सी प्रोपेन ओके जी क्योंकि जो सारा ये ऑक्सी आ रहा है जो इथर आ रहा है ऑक्सीजन वो आ रहा है सेकंड पर ठीक है ना तो नॉमन क्लेचर इसी तरीके से करनी है कॉमन नेमिंग को भी देखना है और आई नेमिंग को भी देखना है एक मिसाल और देख लेते हैं थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाए तो ये हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ और इधर हम कर लेते हैं एक कार्बन लगा लेते हैं सी एच थ्री इधर भी आ जाएगा और सी एच थ्री इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा और ये कार्बन के साथ तीन सी एच थ्री जुड़े हों तो कार्बन के साथ सी एच थ्री तीन जुड़े हुए हों तो इसका नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल तो ये कुछ नेम्स तो हैं वो कॉमन है उनको आपने याद रखना है अब एक तरफ लगा हुआ है कॉमन नेम बताता हूं पहले इसका एक तरफ लगा हुआ है सी एच थ्री यानी के इथाइल ठीक है ये आ गया इथाइल और दूसरी तरफ ये लगे हुए एक दो तीन चार और ये सारे के सारे क्या कहलाते है? हैं ये कहलाते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ईथर तो ये इथाइल इसकी वजह से आ गया और ये टर्शरी ब्यूटाइल ईथर लिखा हुआ है जबकि आईओपी एस नामिंग करेंगे तो फिर उसके अंदर जो है ना मैंने आपको बताया कि हमें नंबरिंग करनी पड़ती है और फिर हम सही से करते हैं नंबरिंग मैक्सिमम कार्बन आ जाए तो एक दो और तीन मैक्सिमम कार्बन आ जाएंगे तीन कर लिया इसको तो ऑक्सीजन कहां लगा हुआ है सबसे पहली बात आप ये देख सकते हो यहां पर जो इथॉक्सी है वो भी दूसरे वाले के साथ है ना क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे पर है तो इसको हम बोलेंगे टू इथॉक्सी ठीक है टू इथॉक्सी आ गया और ये हमारे दूसरे वाले के साथ ही यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम बोल देंगे टू मिथाइल इधर लगा हुआ है मिथाइल इधर लगा हुआ है इथ ऑक्सी छोटा वाली चेन और फिर क्या बन गया टू मिथाइल टू इथॉक्सी और एक दो तीन कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन तो इस तरीके से कॉमन uh, नेमिंग और आईओपीसी नेमिंग आपको इथर की आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग डाईथाइल ईथर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं तो डाईथाइल ईथर जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है थारी थारी खास बात ये है कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का सॉल्वेंट और दूसरे रिएक्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है वैसे तो इनएक्टिव है लेकिन सॉल्वेंट के तौर पे इसकी बहुत अहमियत है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही हम शुरुआत करेंगे ताकि थोड़ा समझ में आए ये कलरलेस लिक्विड है कोई कलर नहीं होता बेरंग है फ्लेमेबल भी है ठीक है हाईली फ्लेमेबल है एक्सप्लोजन भी होती है डाइथलिथर से और लो बॉइलिंग पॉइंट है हाईली इन्फ्लेमेबल है इजिली uh, जो है बॉयल हो जाता है जल्दी बॉयल हो जाता है लो बॉइलिंग पॉइंट है और सबसे अहम फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज अ गुड सॉल्वेंट तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं uh, कोई सॉल्वेंट तो वी हैव द बेस्ट ऑप्शन दैट इज डाईथाइल ईथर इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं कैसे प्रिपेयर करें तो याद रखिए डाईथाइल ईथर या जिसका नाम हमने क्या बताया डाईथाइल ईथर का इथोक्सी इथेन इसको बनाने के तीन तरीके हैं एक तो यह कि आप इसको बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इथाइल एल्कोहल और यूज करना पड़ता है सोडियम मेटल फिर हम बना सकते हैं इसको इथाइल एल्कोहल से बट यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड दो अलग अलग काम हो गए और तीसरा और आखिरी तरीका है इथाइल क्लोराइड से बनाने का और यूज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड ठीक है ना यानी कि हमें दोनों दोनों मिल गए इथाइल एल्कोहल और सोडियम मेटल का रिएक्शन इथाइल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन और इसी तरीके से इथाइल क्लोराइड और सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन तो पहला बताता हूं आपको इथाइल एल्कोहल को अगर हम सोडियम मेटल के साथ प्रिपेयर करें तो सिर्फ हमें क्या करना है हमने ये आ गया हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू ओ एच क्या चीज है ये दिस इज इथाइल एल्कोहल और हमें इसको ट्रीट करना है किसके साथ हमें इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करना है और नतीजे में क्या होगा ये जो सोडियम मेटल है ये यहां पर स्पेस लेगा और क्या बनाएगा ये बनाएगा सी एच थ्री सी एच टू और ये रिप्लेस कराएगा हमारे हाइड्रोजन को तो नतीजे में आ जाएगा एन ए और अलग हो जाएगी हाइड्रोजन गैस इसको पढ़ते हैं सोडियम इथोक्साइड ठीक है सोडियम इथॉक्साइड बन गया और अभी डाइथाइल इथल नहीं बना अब यही जो सोडियम इथोक्साइड है यह भी इंटरमीडिएट है यह भी इंटरमीडिएट है इस पर हमें काम करना है और इसको हम ट्रीट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड के साथ ये आ गया हमारे पास सी एच थ्री ये स्टेप नंबर वन था इसका ये आ गया स्टेप नंबर टू सी एच थ्री है सी एच टू है और ओ एन सोडियम इथक्साइड इसको फिर हम ट्रीट करेंगे किसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे विद इथाइल ब्रोमाइड तो पहले इथाइल एल्कोहल था अब सी एच थ्री सी एच टू और साथ में आ जाएगा ब्रोमीन अब सिर्फ क्या है ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है और सोडियम है सोडियम आपको पता है कैरी करता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव है और इसी तरीके से यहां पर ब्रोमीन जो है वो नेगेटिव है लाइक ऑल द हेलोजेंस और इसी तरीके से एक कार्बन जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव अब आप देखिए रिप्लेस किस किस तरीके से कराएंगे इधर रिएक्शन बताता हूं ये बनेगा सी एच थ्री सी एच टू अपनी जगह पर है ये ऑक्सीजन है ठीक है ये अपनी जगह पे रहा और आप देखिए कि जो पॉजिटिव था इसको हटा के ये जो हमारी पूरी की पूरी चेन आ रही थी ये इधर आके कंबाइन होगी यानी कि बनाएगा सी एच टू और अगेन आ जाएगा सी एच थ्री ये दिस इज ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू ये कंबाइन हुई इसने क्या बना दिया इसने बना दिया है दोनों तरफ इधर नजर आ रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर जो बेसिकली हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ना और फाइनली अलग क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइट ये अलग हो गया सो दिस इज डाई ईथर विच वॉज रिक्वायर्ड तो इन स्टेप नंबर वन सिर्फ क्या हुआ कि सोडियम ने आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया हाइड्रोजन है, गैस बनी और बैलेंस कर लो इसको आ, ये भी टू होना चाहिए ये भी टू होना चाहिए फिर जाके बराबर होगा एच टू और इधर भी टू करना पड़ेगा और फाइनली फिर वो सोडियम इथॉक्साइड हमने ट्रीट करा इथाइल ब्रोमाइड के साथ और तो पूरी की पूरी जो, जो पॉजिटिव चेन थी ब्रोमीन नेगेटिव वाला जाके मिला सोडियम से और ये पूरा ऑक्सीजन जो नेगेटिव था उसके साथ हमारी पॉजिटिव चेन आकर कंबाइन हो गई ठीक है जी पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका सोडियम मेटल के अलावा हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि विलियमसन सिंथेसिस में होता है क्या होगा इसको हम रिएक्ट कराएंगे इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड से इथाइल अल्कोहल वही CH3 CH2 ये आ गया हमारे पास OH और नाउ वी विल ट्रीट इट विद सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके साथ जो है हम ट्रीट करेंगे और इसी को पलट के लिख देते हैं ये हो जाएगा हमारे पास uh, एच ओ और साथ में आ जाएगा सी एच टू और सी एच थ्री दोनों इथाइल एल्कोहल है थोड़ा सा पलट के लिखा है और हमने इसको करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एच टू एसओ फोर तो नतीजे में डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा इधर आप गौर करिए कि इस हिस्से को आप देखिए गौर से ये आ गया हाइड्रोजन पॉजिटिव है ठीक है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और इसी तरीके से यहां पे भी ये कहानी है ये चेन पॉजिटिव है और यहां पर आ गया हमारे पास नेगेटिव अब क्या कहानी बनेगी कहानी बनेगी कि हमारे पास जो डाई था लीथर है सी एच थ्री सी एच टू ठीक है ये जो ये वाला ऑक्सीजन था ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन और इसने बाकी जो हमारे पास चेन आ रही थी उसने आके कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ तो ये आ जाएगा सी एच टू और सी एच थ्री ठीक है सी एच टू सी एच थ्री ये सब आ गए और फाइनली वाटर जो है वो अलग हो जाएगा जो कि एच टू ओ बचेगा और ये जो चीज हमें मिली है क्या है ये है डाई इथाइल ईथर ठीक है सिर्फ हुआ क्या कि वही जो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास इथाइल एल्कोहल थे उन्हीं के दो जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने ड्राईथाइल ईथर बनाया और नतीजे में पानी भी प्रोड्यूस हो गया ठीक है ना सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आगे रिप्लेस कर रहे हैं और तीसरे पार्ट में इथाइल क्लोराइड सिल्वर ऑक्साइड को इस्तेमाल करना है तो इथाइल क्लोराइड को अगर मैं हीट करता हूं और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसमें हीटिंग लाजमी है इथाइल क्लोराइड बनाओ सबसे पहले सी एच थ्री सी एच टू ये इथाइल हो गया इसी के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा और फिर इसको ट्रीट कराएंगे विथ सिल्वर ऑक्साइड ए जी टू ओ अब आप देख सकते हो यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा हमारे पास आ, सिल्वर हमारे पास पॉजिटिव है और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव और यहां पर क्लोरीन नेगेटिव है तो ये पूरी चेंज जो है हमारे पास पॉजिटिव बन गई तो नतीजे में क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होगा सी एच थ्री सी एच टू ठीक है ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आ गया यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ और नतीजे में ये आ गया ठीक है और ऑक्सीजन के आने के बाद CH2 and CH3, ये क्या बन गया ये हमारे पास बन गया इथाइल ईथर ठीक है और अलग से हमें क्या मिल जाएगा अलग से हमें सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा AgCl तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि आपको लगेगा ये कहां से आके पास में कमाइन होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा थाइल क्लोराइड की हमें जरूरत होगी ज्यादा इथाइल क्लोराइड होगा तो फिर वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं और ये हो जाएगा टू ए जी सी एल तो तीन तरीके हैं जिनके जरिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डाई डायथाइल ईथर को ठीक है जी अब प्रिपेयर तो कर लिया लेकिन सारी बात इसका जो केमिकल रिएक्शन है वैसे तो ये बहुत ही कम केमिकल रिएक्शन करता है एज अ सॉल्वेंट ही यूज होता है लेकिन याद रखिए कि ये थोड़ा सा अ, अ, अपनी स्टेबिलिटी की वजह से कम रिएक्शन तो करता है लेकिन सबसे अहम इसका काम है जो ऑक्सोनियम आइन है उसको प्रोड्यूस करने का ऑक्सोनियम आइन क्या है इसको भी मैं समझाता हूं आपको पहले आप आ, केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करो हम क्या कर रहे हैं हमारे पास है डाइथाइल ईथर यह आ गया सी टू एच फाइव ओ और सी टू एच फाइव ठीक है कंबाइन करके लिख दिया मैंने जब इसको रिएक्ट कराया जाता है किसी भी स्ट्रांग एसिड के साथ जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको अगर मैं रिएक्ट कराता हूं विद हाइड्रोजन आयोडाइड तो so, प्रॉपर्टी आपको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव ये नेगेटिव और इसी तरीके से ये बात कंफर्म है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अनशेयर्ड ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के पास यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो यकीनन ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है और जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव जो है वो अलग होगा नतीजे हमें क्या मिलेगा नतीजा मिलेगा सी टू एच फाइव और आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन और ये आ गया हमारे पास एक हाइड्रोजन ठीक है यही वाला पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन आ गया और अभी भी आपको पता है कि हमारे पास यहां पर के बचेगा सी टू एच फाइव और सिर्फ और सिर्फ ये जो आयोडीन है ये नेगेटिव बचेगा और ये पूरा का पूरा हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव और इसको ही कहते हैं ऑक्सोनियम आइन ऑक्सोनियम आइन बेसिकली क्या है याद रखिए मैं आपको डिफाइन करवाता हूं जब ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो और वो बॉन्ड हो तीन डिफरेंट एटम्स के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ तो उसको ऑक्सोनियम आइन कहते हैं इसको थोड़ा थो समझाना पड़ेगा ना ऑक्सोनियम आइन को कि क्या कहानी क्या है ऑक्सोनियम आइन बेसिकली क्या है ये देखिए आप एक ऑक्सीजन है जो पॉजिटिवली चार्ज है और वो जुड़ा हुआ है दो एटम से मॉलिक या ग्रुप ऑफ एटम्स से और यहां पर आ रहा है एक हाइड्रोजन ये ऑक्सोनियम आइन कहलाता है ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉमनली ये एच आर और आर की जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है तो मिसाल हो सकती है हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होगा इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है जिसको हम क्या लिखते हैं जिसको हम लिखते हैं एच थ्री ओ जो कि पॉजिटिव होता है तो ये ऑक्सोनियम आइन है तो आप ये समझ गए ना ऑक्सोनियम आइन हुआ तो पहले स्टेप के अंदर प्रोटोन को एक्सेप्ट करके ये ऑक्सोनियम आइन बना इसी से आगे बढ़े अगर तो ये जो आयोडाइड आइन है ये जाहिर सी बात है नेगेटिवली चार्ज है और यह एक बहुत ही बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये एक न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ठीक है तो अभी भी ये प्रोसीजर आगे चलेगा यही प्रोसीजर इधर मैं आपको स्टेप नंबर टू में बताता हूं सी टू एच फाइव और ऑक्सीजन आ गया पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सोनियम है और यह आ गया सी टू एच फाइव और इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है ठीक है अब यह आ गया हमारे पास न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है तो ये क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा किसी पॉजिटिव को और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है सी टू एच फाइव ओ एच अलग हो गया सी टू एच फाइव ओ एच अलग हो गया और बाकी हमारे पास क्या आ गया बाकी हमारे पास आ गया एच सॉरी टू ये आ गया हमारे पास सी टू एच फाइव और आई बन जाएगा ठीक है ये आप देख लो ये जो चीज है ये अलग हो गई और बाकी हमारे पास C2H5 आयोडीन के साथ अट्रैक्ट हो गया ठीक है जी अब बॉन्ड को तो ब्रेक कर दिया अब इसी रिएक्शन को अगर हम फर्दर आगे बढ़ाएं ये जो हमारे पास आ गया ना इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल हमारे पास आ गया ऑलरेडी तो इसी इथाइल अल्कोहल को अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाऊं उसी कंडीशन के अंदर तो एथाइन आयोडाइड भी बनेगा जो कि यहां पे नजर आ रहा है आपको C2H5I ठीक है ये देखिए स्टेप नंबर थ्री बताता हूं स्टेप नंबर थ्री में ये कह रहे हैं कि यही जो इथाइल एल्कोहल प्रोड्यूस हो गया इसको हमने रिएक्ट कराया उसी कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ठीक है जो कि एक्चुअली करवाई रहे थे नतीजे में हमारे पास क्या बना सी टू एच फाइव आई इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं इथाइल आयोडाइड और नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है वाटर तो बेसिकली ये एक सोलवेंट है जो कि रिएक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है और आपने देखा कि डिफरेंट रिएक्शन के अंदर जो है वो इसने हेल्प किया और इसी वजह से इसके जो यूजेस आप देखोगे वो भी सारे के सारे ऐसे ही हैं कि जहां पर इनको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम जो है वो इसको यूज करते हैं सॉल्वेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में वैक्सेज में गम्स में डिजाइन में और डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर इसको एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है फिर वुड्स रिएक्शन भी है वुड्स रिएक्शन के अंदर हमने देखा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं लार्ज ऑर्गेनिक कम्पाउंड लार्ज अल्केन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी यही सॉल्वेंट होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बनाने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है ग्रिगनार रिएजेंट के अंदर क्या था कि हमारे पास मैग्नीशियम है और कोई हेलाइड है, है और कोई भी रेडिकल जुड़ा हुआ है तो वो ग्रिगनार रिएजेंट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये भी प्रिपेयर हो जाता है फिर एनेस्थेटिक है ये एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है बेहोशी की दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसी के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि स्मोकलेस पाउडर बनाएं ठीक है ना स्मोकलेस पाउडर आजकल बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि स्मोक की प्रॉब्लम है स्मोक वगैरह से बचने के लिए तो बहुत जगह पर जहां पर हम चाहते हैं कि स्मोकलेस पाउडर हो तो वहां पर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं डाई इथाइल ईथर को ठीक है भाई सो दैट इज इट फॉर टूडे जितना समझना था इथाइल डाइथाइल ईथर के बारे में आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ केमिकल रिएक्शन और यूजेज और प्रिपरेशन हर लिहाज से तैयारी करनी है और थोड़ा सा ईथर्स के नॉर्मल क्लेचर की प्रैक्टिस भी करनी है दैट्स ऑल फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़